अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे आप डियर व्यूवर्स। आज जो हमने इंतखाब किया है ख़वातीन के हकूक़ के बारे में कि शादी से पहले और शादी के बाद उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है और कि वो अपने राइट्स जो हैं किस तरीके से हासिल कर सकती हैं शादी से पहले और शादी के बाद। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम वीडियो शुरू करें। तो दोस्तों, हमारी सोसाइटी में अक्सर हमने देखा है कि लोग जो हैं इसमें लड़कियों की अभी भी शादी में कराने में बहुत ज़्यादा जो है दुश्वारी इनको पेश आती है कि लड़कियां जहां पे कहते हैं शादी करना और घर वाले नहीं करते। और मैंने बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं, जो लोग जानते हैं उसमें ये होता है कि फिर वो लड़की और अपनी मर्ज़ी से जो है वो शादियां करती हैं और जिसकी वजह से फिर कोर्ट मैरिज और फैमिली की, कपल की तो बदनामी होती होती है और फैमिली की बहुत ज़्यादा से बदनामी होती है। क्योंकि हमारे माशरे में अब एक चीज़ है कि वो पहले वाला दौर नहीं है कि जहाँ पर हम दिल करें उनकी शादियाँ कर दें, जहाँ पर बिठा दिया। वो जैसे कहते थे कि यहाँ पे बेटियाँ तो भैंसे गाय हैं, जहाँ मर्ज़ी दे दी। अब मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि जिस जहाँ पे कत्ल का भी उनको खौफ नहीं होता बच्चों को और वो अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं। तो मेरा तो तमाम दोस्तों से और तमाम अपने व्यूअर्स से यही गुजारिश होगी कि हमेशा बच्चों की शादियाँ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक करें ताकि ना आपकी बदनामी हो और ना आपको कल कोई मसला पेश आए। तो उसके बाद अब मैं क्योंकि औरतों के हवाले से अपने टॉपिक से नहीं हट सकता, तो इसमें वजह यह है कि एक लड़की के पास राइट है कि वो अपना डिवोर्स ले सकती है किसी वक्त भी। उसको किसी किस्म की डिवोर्स में किराए में कोई चीज़ उसके हायल नहीं हो सकती। और अगर उसके घर वालों ने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की है तो तो राइट बनता है कि वो अगर उस अपने हस्बैंड के साथ कुछ नहीं है और अपनी कदा और रसूल के बताए हुए तरीके से ज़िंदगी नहीं बसर कर सकती तो वो डिवोर्स ले सकती है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे केसेस हैंडल भी किए हैं जो कि घर वालों ने फोर्स के साथ शादी कर दी और उसके बाद लड़कियों ने अपनी मर्ज़ी से डिवोर्स ले ली। अब उसके बाद अगर शादी हो जाती है, उसमें आपके हालात अच्छे नहीं होते, तो फिर आपके साथ जो भी मसाइल पेश आते हैं अब उस हवाले से बात कर लेते हैं। तो आप सबसे पहली बात यह है कि लड़की जहाँ पे रहती है वहाँ पे अपना केस फाइल कर सकती है, चाहे वो कराची में रहती है, लाहौर में रहती है, रावलपिंडी में रहती है, जहाँ भी रहती है वो केस फाइल करेगी और दूसरी पार्टी को वहीं पे आके उसके केस का जवाब देना होता है। क्योंकि अब औरत को ये कानून की तरफ से राइट है कि वो अब दूसरी जगह पे जाके इतनी दूर केस नहीं लड़ सकती, तो वो अपनी जगह पे केस करेगी। और अगर फ़र्ज़ किया उसके ख़िलाफ़ कोई केस होता है, फ़र्ज़ किया अगर वो रावलपिंडी में रहती है उसके ख़िलाफ़ लाहौर में केस हुआ है, तो आप वो हाई कोर्ट में जाके लाहौर वाले केस को अपने कोर्ट में ट्रांसफ़र करवा सकती है आराम के साथ। ये भी उसके पास राइट है कि दूसरा केस को अपने शहर में ट्रांसफ़र करवाना, फैमिली केस को। और उसके बाद ये मुख्तलिफ़ हर मौजू के ऊपर अलहदा से आर्टिकल जो हैं और वीडियोस भी हैं वो मेरी मौजूद हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं और अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकते हैं। अब डिवोर्स के बाद एक प्रोसीडर होता है नादरा डिवोर्स सर्टिफिकेट का। नादरा डिवोर्स सर्टिफिकेट में जो है 3 माह का पीरियड होता है, 3 दफ़ा यूनियन काउंसिल का नोटिस भेजे जाते हैं, उसके बाद जो है वो आपको सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जाता है। तो ये डिग्री होने के बाद आपको हासिल कर सकते हैं। तो अगर किसी इशू के बारे में मैंने बहुत पोस्ट बनाई हैं, तो अगर इसके बारे में भी किसी एक दोस्त को या किसी को भी मसाइल पेश आते हैं तो आप मुझे कॉल करके भी आप मशवरा ले सकते हैं। इस हवाले से इसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं तो इसमें मेंटेनेंस। अब ज़ाहिर बात है जब लड़ाई होगी, चाहे डिवोर्स हुई हो ना हुई हो,
मेंटेनेंस, बच्चों का खर्चा और अपना खर्चा जो है वो वाइफ को देना पड़ेगा। अब क्या होता है कि औरतें कोर्ट में कहती हैं जी हमने किसी सूरत वापस नहीं जाना, लेकिन हमको खर्चा देना चाहिए। तो इसमें कभी भी कोर्ट में ये ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। कोर्ट में आप अपनी शराइत बताया करें कि हम इन शराइत की बना पर जाएंगी और जो अपनी जायज़ शराइत हैं, और फिर आपको आपका खर्चा जो है वो कोर्ट की तरफ से मिलेगा। लेकिन जब आप कहेंगे कि हमने किसी सूरत में नहीं जाना, तो फिर आप खर्चे की हकदार नहीं रह जाती। हाँ, जो बच्चों का खर्चा है, बच्चों का खर्चा किसी भी सूरत में कोर्ट माफ़ नहीं करेगी हस्बैंड को, चाहे आपकी गलती हो, चाहे हस्बैंड की गलती हो, चाहे कोई और मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, बच्चों का खर्चे का जिम्मेदारी बाप की है, वो उसने देनी ही देनी है। कोर्ट कैंसर के मरीज़ को भी खर्चा माफ़ नहीं करती, उसको भी देना पड़ता है। तो बच्चों का खर्चा जिस दिन से केस फाइल करेंगे उसी दिन से शुरू हो जाएगा और आपको वो मिलेगा जब बेटे की एज 18 साल तक और बेटी की एज शादी तक, जब उसकी शादी होगी उस वक्त तक जो है वो बच्चे का खर्चा आपको मिलेगा। ठीक हो गया तो उसमें 10% सालाना बढ़ता रहता है। इसके लिए भी अलहदा पोस्ट मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाके जो है वो आप मज़ीद इसमें मालूमात जो है वो कर सकते हैं। अब डवरी आर्टिकल्स, अब इसमें डवरी आर्टिकल्स के हवाले में भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो केस है कि वो भी एक औरत का राइट बनता है कि जो उसने सामान जहेज दिया था उसके वालदैन ने, वो अपना सामान वापस ले। और उसके लिए फिर ये करना होगा आपको कि सामान जहेज का दावा होगा और उसके ऊपर आप सारी लिस्ट बनाएं के साथ देंगे कि ये हमने सामान दिया था और ये वाला सारा सामान हमको वापस चाहिए। वो सामान जहेज़ की लिस्ट के हिसाब के उसके से आगे कीमत भी लिखी जाती है, और कीमत आपने अगर पहले से नहीं लिखी हुई तो आप इस हिसाब से लिखें कि कोर्ट में आपको लेने में दुश्वारी पेश ना आए। और इसके बारे में भी अलहदा से वीडियो और पोस्ट मौजूद हैं। मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि आपके राइट कौन कौन से बनते हैं जो कि आप एक डिवोर्स वूमेन और या दूसरी वूमेन जो है वो अपने राइट ले सकती, ताकि आपको अपने सारे राइट्स का पता हो। और इसके बाद जो आफ्टर डिवोर्स आपको हक मेयर का जो राइट है डवर, अब उसका राइट आपका बनता है। कुछ हक मेयर होते हैं मौजल जो कि मौके पर दा होते हैं, कुछ गैर मौजल होते हैं जो कि तलाक की सूरत में, और कुछ इंदल तलब होते हैं। आपके जो भी हक मेयर है, अगर मौजल दा नहीं किया, गैर मौजल, इंदल तलब जो भी है, अगर आप लेती हो जाती है डिवोर्स की सूरत में, तो आप उस तमाम राइट जो है वो ले सकती हैं। हाँ, अगर आपको खुला करनी है तो खुला में भी आपको छोड़ना होता है ये राइट, अपना हक में छोड़ना होता है। लेकिन अभी उसमें कुछ कानून में तब्दीली आई है, तो आप इसमें 25% खुला की सूरत में भी आपको मिल जाता है। उसके बाद जो डिवोर्स के बाद राइट बनता है कस्टडी ऑफ किड्स चिल्ड्रन, बहुत सारे मैंने देखा है केसेस में हस्बैंड जो होते हैं वो डराते हैं कि जी आपको बच्चे नहीं मिलेंगे, आपको ये नहीं मिलेगा। साल साल तक तो माँ का खजानत का हक होता है कि वो बच्चे अपने पास रख सकती है चाहे कुछ भी हो। तो करती भी कोर्ट इसी तरह है कि बच्चे जो हैं वो दे दिए जाते हैं, माँ के हवाले कर दिए जाते हैं, और बाप को खर्चा दिया जाता है कि आप इस बच्चों का खर्चा अदा करें। तो फिर बाप ने उनका खर्चा अदा करना होता है। तो इसमें हमने लाहौर में इसी वक्त भी अदालतों में 25-30 हज़ार, एक फैमिली कोर्ट में तकरीबन 2-2.5 हज़ार केस हैं। और इसमें जो बेस्ट हल जो मैंने देखा है वो सुलह है। अगर सुलह हो जाए और तरीके से हर कोई अपना काम करे, तो यहाँ तक नौबत ही ना आए इस काम को और कोर्ट्स में जाने की और केसेस में भुगतने की। तो ये थोड़ी सी अना का मामला होता है जो लोग अपनी अना के लिए बना लेते हैं। चले, कुछ लोग होता है कि उनकी गुजारा नहीं हो सकता, ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग अपनी अना का मामला बना के, जो कि 10-10 साल गुजारा कर भी चुके होते हैं, तो वो आगे गुजारा नहीं करना चाहते। तो ये व्यूअर्स जो राइट्स थे वो हमने बताए हैं। इसके अलावा अगर कोई रह गए हों तो वो भी आप कमेंट्स में लिखकर बताइएगा, ताकि हम वो भी इसमें ऐड कर सकें।
तो आज के लिए गुलाम उर्सा मेहर को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा से हाज़िर होंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।